अभी तक आप काफी सारे डिफरेंट कंपनीज के चार्ट्स एनालाइज कर चुके होगे या देख चुके होगे एटलीस्ट, बट क्या आपने अपने खुद का चार्ट देखा है कभी? डेटा अपने खुद का ट्रेस कर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको सब कुछ दूंगा इंक्लूडिंग अ फ्री डाउनलोडेबल। हे गाइस, दिस इज आदित्य गोयला CFA, और आज के दिन हम जानेंगे कि अपने खुद का डेटा कैसे क्रिएट करना है। वी ऑल नो द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा, उसमें कोई मेरे को बात करने की जरूरत नहीं है। अब अपना ट्रेडिंग डेटा बनाना है एफिशिएंटली, राइट? तो आई टेल यू कि हमारी 1-to-1 मेंटरशिप कॉल्स होती हैं, जो भी हमारे कोर्स में इनरोल्ड स्टूडेंट होते हैं वो 1-to-1 मेंटरशिप पे आते हैं, एंड एवरी वीक मेरे को नए नए लोगों से बात करता हूँ मैं, अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स। एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल के आती है वो ये है कि मोस्ट स्टूडेंट्स अपने आप को खुद को एनालाइज नहीं कर पाते। चार्ट सीख गए हैं, ट्रेड कर रहे हैं, बट खुद की परफॉर्मेंस को एनालाइज नहीं कर पाते। उसके लिए वी नीड टू फर्स्ट कलेक्ट द डेटा प्रॉपरली कि हम क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, और फिर जब हमारे पास अपना खुद का डेटा आ जाता है तो उस डेटा को हम एनालाइज करेंगे एंड वी विल टेक डिसीजंस। जस्ट लाइक जैसे हम किसी कंपनी का चार्ट देखते हैं और उसके आपसे वी टेक अ डिसीजन कि बाय करूँ या सेल करूँ, ठीक है? तो अब चलते हैं, मैं आपको डायरेक्टली जाता हूँ हमारी गोयला ट्रेडिंग जर्नल पर। नाउ दिस इज अ फ्री डाउनलोडेबल, आपको नीचे मिल जाएगा, बट बिफोर यू डाउनलोड इट, दिस सर्टेन शीट हैज बीन क्रिएटेड बाय वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स इटसेल्फ। सो ही वाज शोइंग मी ऑल द ट्रेड्स ही इज बीन डूइंग, एंड आई रियली लाइक्ड हाउ ही इज डूइंग इट, हाउ ही इज मेड थिंग्स सो डिटेल्ड। सो आई आस्क्ड हिम दैट ऑल राइट, कैन वी टेक योर ट्रेडिंग जर्नल एंड कैन वी शेयर इट टू एवरीवन? ही अग्रीड टू इट। सो वी मेड मल्टीपल डिफरेंट चेंजेस, मल्टीपल डिफरेंट मॉडिफिकेशंस, व्हाट आई फील यू गाइस शुड हैव मोर, एंड देन वी हैव राइट हियर। सो यू कैन थैंक स्वयं पुजारी हु इज आवर स्टूडेंट हु प्रोवाइडेड यू विद दिस। ऑलराइट, लेट्स सी दिस। यू गो थ्रू दीज फ्यू थिंग्स, क्योंकि इस पे कुछ कॉलम्स हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये कॉलम्स कैसे वर्क करते हैं, तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, राइट? सो अब चलते हैं डायरेक्टली अपनी स्क्रीन पर। सो दिस इज द फुल जर्नल राइट हियर। नाउ अगेन, इट माइट लुक लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, बट इट इज फेयरली सिंपल। सो आई विल जस्ट जूम इट इन, एंड यहां पर यू विल सी गोयला ट्रेडिंग जर्नल इक्विटी सेगमेंट डिलीवरी। यहां पर आप देखोगे देयर टू टैब्स, डिलीवरी एंड इंट्राडे, राइट? सो दीज आर टू मेन थिंग्स आई वॉन्ट टू फोकस ऑन स्पेसिफिकली। सो डिलीवरी पर क्या है, एक ही करके कॉलम देखते हैं। फर्स्ट डेट, यू कैन पुट द डेट विच एवर डेट यू वॉन्ट। There is the name of the share, then comes quantity, then comes market price, whichever market price you have bought that share at, right? So gross buy value, iska automatically ek formula hai which has been put. Brokerage, now brokerage again, people understand that bahut small brokerage hai, ab to aajkal to flat fee lagti hai 20, 30, 10 rupees, whatever, but in reality na you're paying much more than 20 rupees. एंड ये आपको तभी पता चलेगा जब आप अपना खुद का कॉन्ट्रैक्ट नोट खोलोगे। सो आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू योर कॉन्ट्रैक्ट नोट एंड अंडरस्टैंड द ब्रोकरेज यू गेट। जनरली अगर परसेंटेज फॉर्म पर अगर आपकी ब्रोकरेज है तो यू कैन पुट डाउन द परसेंटेज। इफ यू चेंज द परसेंटेज राइट हियर, सो द ब्रोकरेज कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली चेंजेस, राइट? अगर आपकी फ्लैट फी है तो यू कैन जस्ट पुट द फ्लैट फी राइट हियर। यू कैन पुट अदर चार्जेस, जैसे लेट्स से अगर आपकी यहाँ पर लेट्स से आपकी 50 रुपीज की कॉस्ट पड़ी, एंड यहाँ पर लेट्स से इफ यू सी द अदर चार्जेस जो आपको लगेंगे फॉर श्योर, दे आर लेट्स से 50 रुपीज, सो द टोटल नेट बाय वैल्यू बिकम्स दिस, राइट? सो दिस अदर चार्जेस आर ऑल्सो देयर टू मेक श्योर कि अगर आपको कोई और चार्जेस ऐड करने हैं तो यहाँ पर आप कर लो। नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजी। नाउ स्ट्रैटेजी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली आपने बाय किया है तो क्यों किया है, क्योंकि ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी इज द मेन थिंग। तो हमें एट अ पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमने कौन कौन से स्टॉक्स में ट्रेड किया है, एट विच स्ट्रैटेजी, एंड अगर वो स्ट्रैटेजी हम देख रहे हैं कि मोस्टली डज वेल तो वी विल कंटिन्यू विद दैट स्ट्रैटेजी, सिंपल एज दैट, राइट? जैसे डेटा एनालाइज करते हैं वैसे। सो स्ट्रैटेजी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डिटेल्स डालनी है, आपको कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, वो भी यू आर मोर देन वेलकम, बट दिस इज जस्ट ऑल फॉर यू, एंड कीप इट एज डिटेल्ड एज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि 3 महीने डाउन द लाइन आपको याद नहीं रहेगा कि इसका मतलब क्या था, या फिर उस स्ट्रैटेजी आपने कब ली, कैसे ली, आपको कुछ याद नहीं होगा। ये मैं आपको बता सकता हूँ, इतने ट्रेड्स करने के बाद 3 महीने बाद बिल्कुल याद नहीं होता कि क्या किया था मैंने। सो सब कुछ डिटेल डाल दो। नेक्स्ट कॉलम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है। तो अब हम देखते हैं कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस, राइट? क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? नंबर्स, प्रॉफिट्स। क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब
आपकी खुद की फीलिंग, इन स्पेसिफिक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहा हूँ, तो आपकी खुद की फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि एट अ ट्रेड जब आप ले रहे हो, व्हाट इज योर कॉन्फिडेंस लाइक, इज इट एवरेज, इज इट हाई और इज इट लो, एंड यू हैव टू पुट डाउन द कॉन्फिडेंस. एंड बिलीव मी, ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, बट आपको 3 महीने बाद जब आप ट्रेड करोगे ना, ये कॉलम आपको बहुत ज़्यादा बड़ी इंसाइट देगा, वो मैं अभी आपको बता सकता हूँ. तो उसका सस्पेंस तो बाद में आपके लिए मैं छोड़ूंगा, कि आप खुद ट्रेड करो, खुद पता चलेगा आपको कि कितना कॉन्फिडेंस लेवल से और प्रॉफिट में कोरिलेशन क्या है, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है. देन रिमार्क्स, तो रिमार्क्स मतलब जैसे लेट्स से देयर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट दिस सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, सो मैंने यहाँ पर डाल दिया, तो या फिर वेरी स्ट्रॉन्ग Q1 क्वार्टर रिजल्ट्स यहाँ पर आ गए इस कंपनी के, तो जो भी स्पेसिफिक चीज़ है आई वॉन्ट कि आप डालो, एंड इसको पॉपुलेट ज़रूर करना, इसको ऐसे छोड़ना मत. क्यों? क्योंकि जनरली हमारे माइंड में क्या होता है, रिमार्क्स हैं, रिमार्क्स को तो कोई भरता है नहीं, तो छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि ऐसी हमारे जो फॉर्म्स होते हैं उसमें रिमार्क्स हमेशा खाली रहता है. बट आई वॉन्ट कि आप इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर भरो, कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी या कुछ ना कुछ स्पेसिफिक ऑन दैट डे या ऑन दैट ट्रेडिंग डे क्या हो रहा था, उससे भी आपको बहुत इंसाइट मिलने वाली है. अब नेक्स्ट आते हैं एग्जिट पर. सो डेट आ गई, क्वांटिटी हो गई, प्राइस आ गए, ग्रॉस सेल ये ऑलरेडी डल जाएगा, ब्रोकरेज वो कैलकुलेट हो सकती है ऊपर से, अदर चार्जेस वो भी आप यहाँ बता सकते, जैसे कि 50 रुपीज़, एंड नेट सेल वैल्यू कि व्हाट इज़ द टोटल नेट सेल वैल्यू, आपने बेचा तो कितने बेचा नेट. अब चलते हैं नेक्स्ट कॉलम पर, विच इज़ प्रॉफिट. नाउ प्रॉफिट ऑफकोर्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड, आपको कुछ जाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूलाज ले हुए यहाँ पर, तो प्रॉफिट यहाँ पर आपका आ गया. अब नेक्स्ट है डिविडेंड. अब डिविडेंड जैसी चीज़ ना बहुत लोग उसको मिस कर देते हैं. डिविडेंड पीपल थिंक दैट ठीक है, डिविडेंड एट्स अ स्मॉल अमाउंट, इट डजंट मैटर, बट अगर आप बहुत लंबे टाइम तक ट्रेड करोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड दैट डिविडेंड भी लेना बहुत ज़रूरी है, कि दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रेड, राइट. अगर मैं स्टॉक मार्केट में पैसे डाल रहा हूँ तो डिविडेंड स्मॉल अमाउंट भले है बट इंपॉर्टेंट ज़रूर है. सो मैं इसको कैलकुलेशन से निकाल बिल्कुल नहीं सकता, सो इट हैज़ टू बी इन द कैलकुलेशन. नेक्स्ट आता है P&L परसेंट, टोटल परसेंटेज कितना है, और ऐसे कर करके आप अपने सारे यू कैन से रोज में आप डाल सकते हो कि एग्जैक्टली आपने क्या ट्रेड किया, क्यों किया, सारा आपके पास रहेगा. अब चलते हैं सबसे अच्छे पार्ट पर, विच इज द समरी. नाउ ये समरी ना आपके लिए सब कुछ होने वाला है. इस समरी में जो मेन एस्पेक्ट्स होने चाहिए आपके लिए समझने के लिए, वो सारे यहाँ पर हैं. लेट्स सी, तो फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स आपको दिख जाएगा, नंबर ऑफ विनर्स कितने बार आपने गेन किया, कितने बार आपने लूज किया, व्हाट इज द विन परसेंटेज, कि परसेंटेज वाइज व्हाट इज द विन परसेंटेज, मैक्स गेन मैक्स लॉस, मतलब प्रॉफिट में सबसे बड़ा आपका गेन क्या है, सबसे बड़ा आपका लॉस क्या है. नेक्स्ट आता है एवरेज प्रॉफिट एंड एवरेज लॉस. अभी एवरेज प्रॉफिट और एवरेज लॉस ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं क्यों. एवरेज प्रॉफिट से आपको पता चलेगा कि जनरली जब आप ट्रेड करते हो तो व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट यू गेट, एंड एवरेज लॉस से आपको पता चलेगा जनरली अगर आपका लॉस होता है या स्टॉप लॉस हिट होता है तो व्हाट इज द एवरेज लॉस यू गेट. एंड जनरली ना हम कहते हैं कि हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3 होना चाहिए, मतलब अगर मेरा स्टॉप लॉस 1 रुपये है तो मेरा टारगेट 3 रुपये होना चाहिए, और उसके बारे में हम डिटेल में जाते हैं इन आर मेंटरशिप प्रोग्राम, इफ़ यू वांट टू नो मोर तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी है, यू कैन गो थ्रू इट. बट अल्टीमेटली अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3 के रेशियो में होना चाहिए, और ये एवरेज प्रॉफिट और एवरेज लॉस विल ओवर टाइम टेल यू दैट इज आर योर ट्रेड्स इन 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और नॉट. इफ इट इज नॉट देन इट इज अ मेजर प्रॉब्लम, यू हैव टू फिक्स इट. एंड फिक्स कैसे करना है, स्टॉप लॉस को आप बेटर करो. आप देखो आपने पहले यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ था, वहाँ पे सेल क्यों नहीं हुआ, या फिर आपका रिस्क क्यों ज़्यादा है, मतलब अपने 1:3 के रेशियो से, उसके बारे में सोचना इंपॉर्टेंट है. जैसे हम एनालाइज करते हैं ना किसी चीज़ के बारे में, इसकी एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, विच इज़ इक्विटी, विच इज़ इंट्राडे. अब इंट्राडे मोर लेस सेम है, बट इसमें एक अच्छी फंक्शनैलिटी दी हुई है विच इज़ शॉर्ट और लॉन्ग. जब इस पर जाओगे यहाँ पे यू हैव एन ऑप्शन टू चेंज इट टू शॉर्ट और लॉन्ग. तो जब आप ये चेंज करोगे तो आपके एंड में जो प्रॉफिट्स होंगे वो भी चेंज होंगे, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है. तो इससे आपको पता चलेगा कि आपने एंट्री कब की, स्ट्रैटेजी क्या है, कॉन्फिडेंस क्या है, रिमार्क्स क्या है, अल्टीमेटली करते करते समरी आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी. अब यहाँ की समरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, एक ही है डिलीवरी, एक ही है इंट्राडे, डिलीवरी ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग. अब इन दोनों भी कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं, जो सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं,
उनको इंट्रा डे से बिल्कुल ही प्यार है और वो डिलीवरी को ट्राई भी नहीं कर रहे. क्यों? क्योंकि इंट्रा डे ऑफकोर्स बहुत लुक्रेटिव लगता है, मतलब आपको उसी दिन प्रॉफिट मिल जाएगा, उसी दिन पैसे बन जाएंगे, और लॉजिकली लगता है कि यार यही सही रास्ता है. बट एट टाइम्स एंड मोस्टली ये जो मैंने देखा है, मोस्ट पीपल डू बेटर इन डिलीवरी एज कम्पेयर टू इंट्रा डे. द रीज़न बींग सभी इंट्रा डे पर लगे हुए हैं, सभी ट्रेड कर रहे हैं इंट्रा डे पर, तो इंट्रा डे पर कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है कि ट्रेडर्स भी तो एक दूसरे को कम्पीट कर रहे हैं. सो अगर कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है सो आपके मार्जिन भी सिग्निफिकेंटली कम होते हैं, और इंट्रा डे में ट्रेडिंग इतनी होती है कि इट इज़ वेरी हार्ड टू आउट परफॉर्म देयर. बट डिलीवरी पर काफ़ी ज़्यादा रिलेटिवली ईजियर होता है टू आउट परफॉर्म, एंड अल्टीमेटली डिलीवरी पर पैसे भी ज़्यादा बनते हैं. एंड दिस इज समथिंग जो मैंने खुद पे नोटिस किया, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ. ठीक है, सो दिस इज देयर. अब यहाँ की भी आपको मैक्स गेन, मैक्स लॉस, विन परसेंटेज, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज लॉस, सारी चीज़ें मिल जाएंगी. सो आप कंपेयर कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा बेटर है. राइट, कैसे? सिंपल डेटा. सो दिस सर्टेन शीट इज नॉट जस्ट क्लोज शीट जो मैंने आपको बंद किया हुआ है, इट इज अ ओपन शीट, यू कैन इजिली मॉडिफाइड, यू कैन इजिली वर्क अराउंड इट. सो दिस वॉज अ ट्रेडिंग जर्नल. अगर आपको फ्यूचर ऑप्शन करना है तो सिंपली क्या करना है, इसको आप एक शीट जो है कॉपी कर लो, यू कैन हैव इट देयर. और अगर आपका कमोडिटी है उसको कॉपी कर लो, यू कैन हैव मल्टीपल शीट्स, बट डिफरेंट डिफरेंट शीट्स पर डिफरेंट टाइप के सेगमेंट्स रखना. क्यों? क्योंकि वही आपको बताएगा एंड में कि कौन सा सेगमेंट आपके लिए प्रॉफिटेबल है. क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपका कौन सा सेगमेंट प्रॉफिटेबल है, आपको पता नहीं चलेगा. सो दिस वॉज गोयला स्कूल ऑफ फाइनेंस, दिस इज आदित्य गोयला. अगर आपको अच्छा लगा सब्सक्राइब इट, लाइक इट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.